अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के महासचिव तथा उत्तर प्रदेश की प्रभारी प्रियंका गांधी वाड्रा सूबे में कांग्रेस को जड़ से दुरुस्त करने के प्रयास में हैं। प्रदेश कांग्रेस कमेटी की नई कार्यकारिणी के गठन के बाद अब जिला इकाइयों को नए सिरे से गठन कर दिया गया है। विगत दिनों कांग्रेस ने प्रदेश के 51 जिला अध्यक्ष की सूची जारी की थी, जिसमें गोरखपुर जिला कांग्रेस इकाई की जिम्मेदारी नवनिर्वाचित जिला अध्यक्ष निर्मला पासवान को दिया गया। सोमवार को निर्मला पासवान द्वारा जिला कांग्रेस इकाई का अध्यक्ष पद संभालने के बाद पहली बार गोरखपुर आगमन पर कांग्रेस में जबरदस्त उत्साह देखने को मिला। कांग्रेस कार्यकर्ता ढोल नगाड़े की धुन पर झूमते नजर आए। गोरखपुर पहुंची निर्मला पासवान चेतना चौराहा स्थित इंदिरा गांधी की मूर्ति पर पहुंचकर माल्यार्पण किया। इस मौके पर चेतना तिराहे पर गोरखपुर कांग्रेस इकाई के वरिष्ठ कांग्रेस नेता एवं कार्यकर्ताओं ने माला पहनाकर नवनिर्वाचित जिला अध्यक्ष निर्मला पासवान का स्वागत किया। इस अवसर पर गोरखपुरनी से बात करते हुए नवनिर्वाचित गोरखपुर कांग्रेस इकाई की जिला अध्यक्ष निर्मला पासवान ने कहा, हम संगठन में सारे लोग को एक प्लेटफॉर्म पे लेकर के अपने सभी भाइयों को सारे विचारधाराओं को ख़त्म करके हम लोग एक प्लेटफॉर्म पे काम करके संगठन को मजबूत करेंगे। दिन रात मेहनत करेंगे घर घर जा करके। कितनी चुनौतियां हैं अभी आपको आने वाले समय में? चुनौतियां तो बहुत आती हैं, लेकिन हम उसको एक्सेप्ट करके चलते हैं, चैलेंज करके चलते हैं।